पिछले कुछ समय से काफ़ी कस्टमर्स के मुझे कॉल आ रहे हैं, उनको यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना है और कोई अच्छी यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैं कुछ वीडियो यूलिप पे बनाने वाला हूँ, उसमें पहला वीडियो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का फ्यूचर वेल्थ गेन 2 प्लान करके। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली तो होती है कि उसको इक्विटी में एक अच्छा रिटर्न वाला प्लान चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का ATC का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी रिटर्न उनको मिले उस पर कोई टैक्स नहीं लगे, तो यहाँ पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हो। और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि साथ में अगर उनको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर 40 गुना तक, प्रीमियम का 40 गुना तक इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मान लो आप 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम भरते हो, 1 करोड़ का आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। साथ में आप राइडर्स के बेनिफिट भी ले सकते हो। और इसके साथ में बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने यूलिप के लिए 1 जुलाई 2024 को एक नया फंड भी लॉन्च किया है। उस फंड की जानकारी भी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट, रिटर्न और इंश्योरेंस तीनों का बेहतरीन कंबाइंड फीचर्स दिए गए हैं और एक ही प्लान में ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको। तो आइए इस वीडियो में प्लान को डिटेल्स में समझते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब इस प्लान की शुरुआती मैं चार्जेस के साथ में करना चाहूँगा, क्योंकि यूलिप में चार्जेस की वजह से थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,40,000 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज 0 लगेगा। नॉर्मली क्या रहता है कि 12% के आसपास का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज लगता है। यहाँ पे भी मान लो आप 50,000 की पॉलिसी परचेज करो, 12,000 का तो प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज लग जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये तो आपके चार्जेज में निकल जाएंगे। अगर 2.5 लाख की पॉलिसी हो तो करीब 30,000 प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज लग जाता है। लेकिन इस वाली पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्स फ्री आती है, 2.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है, प्लस प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज 0 रहेगा। 2024 को बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये 15 जुलाई 2024 तक NFO ओपन है और 10 रुपये की NAV के आसपास आपको ये मिल जाएगा शुरुआत में। और यहाँ पे जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये न्यूज़ शेयर करी है आपके साथ में, यहाँ पे जो हाई रिटर्न्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे हाई अल्फा स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 15 जुलाई तक ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये जो कंपनी है, लास्ट 6 महीने में 300 टॉप स्टॉक्स रहेंगे, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार टॉप 50 फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो लास्ट 10 साल में इस बेंचमार्क ने 26% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 साल में इसका रिटर्न 32.90% का रिटर्न है इस बेंचमार्क का। अगर मिंट की न्यूज़ देखें तो मिंट ने, न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है कि बजाज एलियंस ने एक नया जो यूलिप पॉलिसीज में एक नया फंड लॉन्च किया है। और बाकी सभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह सभी न्यूज़ वालों ने भी इस नए फंड को कवर किया है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप अल्फा फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ पे आप एक अच्छा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं नए फंड में इन्वेस्टमेंट करके। इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन दिए गए, वेल्थ प्लस और वेल्थ प्लस केयर का। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वेल्थ प्लस के सारे बेनिफिट एंड फीचर्स को। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वेल्थ प्लस में, तो 0 साल के बच्चे यानी कि बच्चे से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा राइडर लेते हो तो फिर मैक्सिमम एज 50 साल रहेगी, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 रहेगी, मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर का रहेगा अगर पॉलिसी टर्म आप 10 साल के लिए लेते हो। अगर 15 साल से लेकर के 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर या 15 ईयर में से कोई सा भी एक आप ले सकते हैं। बात करें मिनिमम प्रीमियम की तो 50,000 रुपये एनुअल प्रीमियम में आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। और बात करें सम एश्योर्ड की, सबसे इम्पोर्टेंट है सम एश्योर्ड, वो भी यूलिप में। अगर आप नोटिस करें कि आपके 0 से लेकर 25 साल के बीच में, तो आप सालाना प्रीमियम का 40 गुना तक इंश्योरेंस ले सकते हो। मान लो 2.5 लाख का प्रीमियम भरते हो, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर आपके 26 साल से लेकर 35 साल के बीच में है तो एनुअल प्रीमियम का 30 गुना का इंश्योरेंस हो जाएगा, यानी कि 75 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा 2.5 लाख के ऊपर।
36 से 40 की एज है तो 20 गुना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, 41 से 44 के बीच में 15 गुना इंश्योरेंस मिलेगा, 45 एंड अबो की एज है तो आपको 10 गुना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जब तक 10 गुना इंश्योरेंस कवर मिलेगा तो उसकी आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है, 10 गुना से कम अगर इंश्योरेंस होता है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल आती है। और 2.5 लाख रुपये तक अगर आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है, 2.5 लाख से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होती है। अगर आप पॉलिसी में कंटिन्यू रहते हो, लॉयल रहते हो बजाज एलियंस के साथ में, तो आपको लॉयल की बेनिफिट भी मिलता है। जो आपके एनुअल प्रीमियम का एक सर्टेन परसेंटेज है वो आपके फंड वैल्यू में ऐड किया जाएगा हर 5 साल के गैप के बाद में। पहली बार आपको जो रॉयल की एडिशन मिलेगा वो पॉलिसी के 10वें साल पे मिलेगा आपके एनुअल प्रीमियम का 15%। मान लो आप 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करो, मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करो तो 15% हो गया 15,000 रुपये आपके फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। 15वें साल पे आपको 20%, 20वें साल पे 25%, और आखिर में 25वें साल आपको 30% ऑफ एनुअल प्रीमियम आपके फंड वैल्यू में ऐड किया जाएगा लॉयल्टी एडिशन के नाम। आपको लॉयल्टी एडिशन के साथ साथ आपको एक फंड बूस्टर का भी बेनिफिट दिया जाएगा। फंड बूस्टर आपको मैच्योरिटी में मिलेगा यानी कि पॉलिसी के आखिरी साल पे मिलेगा, वो आपके एनुअल प्रीमियम का एक सर्टेन पोर्शन रहेगा। मान लो आप 15 साल का आपका या उससे अधिक का पॉलिसी टर्म है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का रखा था तो आपके एनुअल प्रीमियम का 60% आपको फंड बूस्टर के तौर पे मिलेगा। अलग अलग पीपीटी के लिए आप यहाँ पे साइड में पिक्चर में देख सकते हैं। एक और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो कि लास्ट 3 साल रहेंगे ना उस समय जो फंड वैल्यू का, एनुअल प्रीमियम का नहीं, फंड वैल्यू का लास्ट 3 साल का एवरेज का 1% या 0.5% तक फैमिली बेनिफिट के नाम से मिलेगा। फैमिली बेनिफिट के नाम से मतलब अगर आपकी, आपके स्पाउस की, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, पेरेंट्स इन लॉ की, सिस्टर की, ब्रदर की, चाइल्ड की कोई पॉलिसी बजाज लाइफ इंश्योरेंस में चल रही है और आप ये पॉलिसी परचेज कर रहे हो वेल्थ केन 2, और अगर आपका पॉलिसी टर्म 20 साल से कम है तो आपके फंड वैल्यू का 0.5%, और अगर 20 साल या उससे अधिक पॉलिसी टर्म है तो 1% ऑफ योर फंड वैल्यू। मान लो फंड वैल्यू 1 करोड़ है तो 1 लाख रुपए आपको एज ए फैमिली बेनिफिट के तौर पे मिलेगा। अब देखते हैं अपन बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के यूलिप में अलग अलग फंड के फंड परफॉर्मेंस जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए तब से। जैसे इक्विटी फंड से आपको बहुत सारे यहाँ पे इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए, हाइब्रिड फंड है, डेट फंड है, लिक्विड फंड है, इस तरीके से बहुत सारे फंड्स आपको दिए गए। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करें तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी दिया गया है, प्लस यहाँ पे आपको चक्रवर्ती ब्याज CAGR का भी डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ पे हर जो फंड है उनकी डिटेल दी गई है कि वो डेब्ट साइड के फंड है कि कैश साइड के फंड है कि लार्ज कैप फंड है कि स्मॉल कैप के फंड है, वो सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न्स भी दिया गया है, और जब से फंड शुरू हुआ इंसेप्शन डेट से लेकर के भी रिटर्न्स आपको मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अपन लार्ज कैप के रिटर्न देखें तो 2004 से अगर आप देखेंगे ना तो भी 15% 16% 16.58% इस तरीके से रिटर्न्स वहाँ पे दिए गए हैं। अगर स्मॉल कैप की बात करें, जो फंड 2023 में लॉन्च हुआ था मई महीने में स्मॉल कैप फंड करके, उसका 1 साल का रिटर्न है 68.69% का रिटर्न है। और बाकी फंड्स के भी आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड के भी रिटर्न आप देख सकते हैं 15% 16% इस तरीके से रिटर्न है। और यहाँ पे आपका किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, कौन कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि अपन एक फंड लेते हैं इक्विटी मिड कैप प्लस फंड। ये फंड कब लॉन्च हुआ था, 9 मार्च 2005 के दिन। उस समय फेस वैल्यू थी उसकी 10 रुपये की और रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई है क्योंकि ये इक्विटी का है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स, इसका बेंचमार्क है। एंड फंड मैनेजर जो है अंशुल मिश्रा जी हैं जो आपका फंड मैनेज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 रुपये की NAV बढ़कर के 216 रुपये हो गई है 31 मई 2024 के दिन। 158 करोड़ रुपीज का AUM है इस पॉलिसी के अंदर, और इक्विटी में यहाँ पे 159 करीब 150 करोड़ रुपए का इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए कि इक्विटी में कितना परसेंट जा रहा है, 94% है, उसमें से लार्ज कैप में कितना है और मिड कैप स्टॉक्स में कितना जा रहा है, और उसमें डेट फंड में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 3.16% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पावर फाइनेंस में 2.76% का इन्वेस्टमेंट है,
टीवीएस मोटर्स में भी 2.63 का ज़्यादा, श्रीराम फाइनेंस में 2.47% है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आप रिस्क प्रोफाइल देख सकते हैं कि इक्विटी का पोर्शन कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बाकी का कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। टॉप 10 सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर में 17.77% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में 10.6% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। ये फंड की अगर आप रिटर्न देखें तो इंसेप्शन के समय से आपको 17.32%, 2005 से आपको 17.32% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप इस तरीके इसकी पॉलिसी में आप अलग अलग फंड का अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अब समझते हैं बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के फ्यूचर वेल्थ गेन टू बेनिफिट इलस्ट्रेशन को। मान लेते हैं 35 साल के व्यक्ति हैं जिनका नाम अनिल राजपूत है, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम अनिल राजपूत RFFS है। वो एक पॉलिसी परचेज करते हैं बजाज की, जहाँ पे वो 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट करने पर यूलिप में जो रिटर्न आता है, जो मैच्योरिटी आती है, वो टैक्स फ्री आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 साल की एज है कस्टमर की, पॉलिसी टर्म भी वो 25 साल ले रहे हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म वो 10 साल सेलेक्ट कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं और इंश्योरेंस कवर देखिए 1 करोड़, अर्थात 40 गुना प्रीमियम का 40 गुना इंश्योरेंस कवर हो रहा है। जबकि यूलिप में ज़्यादातर यूलिप में 10 गुना इंश्योरेंस होता है, क्योंकि 25 लाख का बीमा, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ का बीमा कवर हो रहा है। प्रोडक्ट का नाम है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग फंड दिखाए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इतने फंड अवेलेबल हैं और आप कितना कितना परसेंटेज कोई पर्टिकुलर एक फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत सारे फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है, वेरी हाई है, मॉडरेट है, लो है, उस हिसाब से आप ध्यान में रखते हो आप इन इतने सारे फंड में से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैंने बेस प्लान में तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर रखा है, साथ में मैंने 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर भी रखा है और डिसेबिलिटीज कवर का भी 1 करोड़ का रखा हुआ है। ये 25 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा, प्रीमियम केवल 10 ही साल भरना है। 2.5 लाख रुपए तक का आपका प्रीमियम है जी, यहाँ राइडर का प्रीमियम जो आता है ना 10,725, और यहाँ पे आप नोटिस करें टोटल 2,67,239 भरने पड़ रहा है, क्योंकि आपका बेस प्रीमियम 2.5 लाख है, इसलिए मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, राइडर्स अलग से होते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 लाख के प्रीमियम के ऊपर भी एजेंट को कमीशन सिर्फ 2,500 रुपये, सिर्फ 1% का कमीशन है, जबकि 2007-08 में 40-50% कमीशन हुआ करता था। तो अब ये म्यूचुअल फंड के मुकाबले में या म्यूचुअल फंड से बेटर भी हो गया है, क्योंकि अगर 2.5 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, कल डेथ होगी तो क्या मिलेगा, 2.5 लाख, पौने 3 लाख, 3 लाख, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ रुपये मिलेगा। और 25 साल के आदमी की डेथ होने की संभावना एक्सीडेंट में ज़्यादा होती है, तो एक्सीडेंटल राइडर भी हैं तो 2 करोड़ मिल जाएगा। दूसरा अच्छी बात है कि यहाँ पे एक और चीज बता दो, प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस 0 हैं, जबकि बाकी के यूनिट में 12% तक प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज होते हैं। तो अगर 2.5 लाख के ऊपर 12% का अलोकेशन चार्जेज होता तो 30,000 तो आपका चार्जेज में चला जाता, तो यहाँ पे चार्जेज भी नहीं लग रहे अलोकेशन के, 0 अलोकेशन चार्जेज है, तो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्लस आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिल रहा है, यहाँ 15% मिला 10वें साल, 20% मिला 15वें साल, फिर इस तरीके से आपको 62,500 का और लॉयल्टी एडिशन मिला। ये प्रीमियम का, एनुअल प्रीमियम का रहता है, ये 15% हो गया, ये 20% हो गया, ये 25% हो गया। प्लस आपको यहाँ पे बूस्टर बेनिफिट भी मिलता है पॉलिसी के एंड में, जो कि आपके एनुअल प्रीमियम का करीब 60% तक रहेगा। तो ये सब ऐड करने के बाद आपको ये सारे फंड वैल्यू में भी ऐड होता है। तो आपने 10 साल में 25 लाख रुपए भरे, 25वें साल पे 88,88,738, 88 लाख, 89 लाख के आसपास आपको मैच्योरिटी मिली, वो भी टैक्स फ्री, वो भी सिर्फ जब 8% का यहाँ पे टेबल पे दिखा रहे, जबकि एक्चुअल रिटर्न्स आपने फंड परफॉर्मेंस में देखा कि एवरेज इंसेप्शन के समय से 2004-05 के से भी देखे तो 15-16-17-18% का रिटर्न है, और 1 साल का रिटर्न तो 68-69% तक है।
यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिटर्न इससे ज़्यादा मिलेंगे, और आपको इंश्योरेंस कवर भी है, टैक्स फ्री बेनिफिट भी है, 5 साल के बाद अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी आपको मिलेगी। अब एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि मान लो यहाँ पे जो 88 लाख रुपीज़ का मैच्योरिटी बन रहा है, इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ है, अब मान लो मैं इसी प्रोडक्ट में 40 गुना की जगह 10 गुना इंश्योरेंस रख लेता तो मेरा इंश्योरेंस कवर 25 लाख ही होता। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 25-25 लाख के ही एक्सीडेंटल कवर वगैरह मिल रहे हैं, मेरा प्रीमियम 2,54,000 रुपये, थोड़ा सा प्रीमियम में डिफरेंस आया, लेकिन मैच्योरिटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया। मैच्योरिटी में डिफरेंस कितना दिखेगा आपको, 93 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपये की ज़्यादा आपको मैच्योरिटी दिख रही है, लेकिन इंश्योरेंस कवर सिर्फ 25 लाख की रहा। तो अगर आप इंश्योरेंस कवर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, और मैच्योरिटी की तरफ देख रहे हैं तो भी आपके पास में ऑप्शन है कि आपको कम इंश्योरेंस के साथ जाना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं कहूँगा इंश्योरेंस कंपनी में आ रहे तो इंश्योरेंस पे पहले फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि 40 गुना यूली प्लान में आपको हार्डली कोई इंश्योरेंस देता, वो 40 टाइम्स बहुत कम प्रोडक्ट है जहाँ 40 गुना प्रीमियम का इंश्योरेंस मिलता है इक्विटी वाले प्लान में। बात करें पॉलिसी में अदर बेनिफिट एंड फीचर की, तो यहाँ पे आपको स्विचिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना चाहते हो तो आप स्विच कर सकते हैं। आपको ऑप्शन टू रिड्यूस प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो प्रीमियम पे कर रहे थे 5 साल के बाद वो प्रीमियम आप 50% तक रिड्यूस करना चाहते हो तो कर सकते हो। मान लो आप 2,50,000 रुपये का प्रीमियम भर रहे थे, 5 साल के बाद आपको लगा कि मैं प्रीमियम 2,50,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कम करना चाहता हूँ, तो 50% तक 1,25,000 रुपये का भी प्रीमियम भर के आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑप्शन टू चेंज प्रीमियम पेमेंट टर्म, अगर आप 5 साल के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। आप प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो कि सपोज आपको एनुअल मोड से मंथली मोड में जाना है, मंथली मोड से एनुअल मोड में जाना है, या क्वार्टरली या सेमी एनुअल मोड में जाना है तो आप जा सकते हैं। आप पॉलिसी में टॉपअप की सुविधा भी दी गई है और पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट भी है। 5 साल के बाद अगर आप पॉलिसी में से पैसा निकालना चाहते हो तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 एनुअल प्रीमियम के जितना फंड वैल्यू पॉलिसी में रहना चाहिए। इनकम टैक्स की धारा 80C का टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 रुपये तक, और 1010D में टैक्स फ्री इनकम आपको आएगी। और अगर 2,50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट है, इस पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट है, 5 साल के बाद आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो। रिवाइवल पीरियड इसमें 3 साल का रहेगा, किसी कारण से अगर आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाते हो तो 3 साल के तक आप लेट फीस वगैरह दे करके पॉलिसी को वापस से रिवाइव करवा सकते हो, वापस से शुरू करवा सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको ग्रेस पीरियड भी रहेगा 30 डेज़ का, फ्री लुक पीरियड भी रहेगा। अब IRDA ने 30 डेज़ का कर दिया, पहले 15 दिन का हुआ करता था, अब 30 दिन का भी फ्री लुक पीरियड आपको मिलेगा। साथ में लोन की सुविधा इस पॉलिसी में नहीं है क्योंकि ये इक्विटी वाला प्लान है। तो फाइनली अगर मैं इस प्लान को समराइज करूँ तो एक बेहतरीन प्लान है उन लोगों के लिए जो हाई रिटर्न देखना चाहते हैं, रिस्क भी ले रहे हैं लेकिन हाई रिटर्न जिनकी उम्मीद है, जिनको इंश्योरेंस कवर भी 40 गुना मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, टैक्स फ्री इनकम भी आ रही है। जो लोग म्यूचुअल फंड में ELSS देखते हैं ना, जहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए उनको, प्लस इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, उनके लिए और भी बेहतरीन है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट तो मिल ही रहा है, टैक्स फ्री इनकम भी आ रही है, इंश्योरेंस कवर भी तो 40 गुना तक मिल रहा है, अगर एज ज़्यादा तो 30 गुना 20 गुना इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। अलग अलग फंड्स दिए गए, नया फंड भी आया है, नए NFO में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड में आप एक फंड से दूसरे फंड में फ्री में स्विचिंग कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड, एग्जिट लोड वगैरह बहुत सारे चीज़ें लगते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा, अच्छे फंड्स भी मिल रहे हैं, नया फंड भी मिल रहा है, इंश्योरेंस, टैक्स बेनिफिट और काफ़ी सारी चीज़ें, प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस भी नहीं है अगर आप 2,40,000 या उससे ज़्यादा का प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पॉलिसी भी आपके ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं, पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे अच्छे राइडर्स भी दिए गए हैं, अगर आप एक्सीडेंटल राइडर लेना चाहते हो तो आप एक्सीडेंटल राइडर ले सकते हैं, डिसेबिलिटीज राइडर लेना चाहते हो तो आप डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी ऐड कर सकते हैं, तो आप राइडर से और इस पॉलिसी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये पॉलिसी अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करें 9909403412 पे। मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे 350 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। जय हिंद।